महात्मा गांधी जी को आज की बरसी पे जनता के समुद्र करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, गांधी जी की जयंती के को मनाने के लिए भी दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जो भूमिका यहाँ पे निभाई है उनको भी याद करते हुए उनको श्रद्धा के समुद्र करते हैं। आज दोनों दिग्गज नेता थे और आर्किटेक्ट थे, मॉडर्न इंडिया को बनाने में भी इनका योगदान यहाँ पे रहा। महात्मा गांधी जी जिनको रोशनी की किरण जम्मू कश्मीर से करती थी, लेकिन बदकिस्मती से आज की सत्ताधारी पार्टियों ने उस रियासत के दो टुकड़े करके यूपीए दो बना दी, लेकिन अभी तक भी स्टेटहुड हमारे अवाम को यहाँ पे सौंपी नहीं गई, हमसे गवर्नर का पोस्ट हमसे छीन नहीं गई है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में बिजनेस से बेरोजगारी चरम सीमा पे है, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे है, कोई इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं। और आज भी मैं समझता हूँ जो महात्मा गांधी जी की सोच थी कि हर तबके को साथ में लेके चलना, आज बुजुर्गों की पेंशन बंद है, आज विधवाओं की पेंशन बंद है, स्मार्ट मीटर के माध्यम से लोगों के घरों में जो बोझ डाला गया है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है लेकिन फिर भी स्मार्ट मीटर के साथ लोगों के घरों में बिजली के बड़े बड़े लंबे बिल आना आज दर्शाता है कि महात्मा गांधी जी की सोच कैसी थी। वो हर एक गरीब आदमी जो था उसके नीचे रहने वाले लोगों के लिए भी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर यहाँ पे रहते थे, फोर फ्रंट में रहते थे। आज हम उनको याद करते हुए यही उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर यहाँ पे चलेंगे और वहीं पे जहाँ पे शास्त्री जय जवान जय किसान आज दोनों नारे जो उनके थे जिनको बुलंदियों में ले जाने की जरूरत थी, लेकिन सत्ताधारी पार्टियों ने चाहे किसान हो, 700 किसानों की शहादत हुई लेकिन उनकी आमदन दुगनी नहीं हुई। वहीं पे जवान जो 25 साल की नौकरी किए कर सकता था करता रहा कांग्रेस के टाइम पे, आज उनको 4 साल की नौकरी दे के भी बहुत बड़ा मजाक यहाँ पे किया। इसलिए हम दोनों उन नेताओं को महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी को आज के इस दिन पे याद करते हुए उनको श्रद्धा के सुमन अर्पण करते हैं और गूंगी बहरी सरकार जो सत्ता में बैठी है उनको हिलाने का काम यहाँ पे करेंगे ताकि वो भी महात्मा गांधी जी की सोच के मुताबिक चले, शास्त्री जी की सोच के मुताबिक चले। किसान मजबूत होगा, जवान मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? युवाओं के लिए तो मैं समझता हूँ कि आज लोग युवा जो है वो समझ चुके हैं कि जिनका जिस ढंग से उन लोगों को इस्तेमाल यहाँ पे किया गया, उनके सेंटीमेंट्स को स्लाइड करके सत्ताधारी पार्टी बनी है और आज बेरोजगारी देके युवा में काफी रोष है। और हमने युवाओं से यही अपील की है कि थोड़ी देर का इंतजार करें, जरूर बादल हट जाएंगे और उनको रोजगार के अवसर जो है वो प्रदान करने के लिए कांग्रेस की पूरी लीडरशिप वो हमेशा सत्ता में यहाँ पे रहेगी और प्रायोरिटाइज करेगी युवाओं को सोच की सोच को आगे बढ़ाने के लिए। जरूरी है कि युवाओं की एनर्जी को जनरलाइज करना भारत की एकता अखंडता और देश के लिए और रियासत के लिए बड़ा खुशहाली का बोल पैदा कर रहा है। बदलाव होगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, इंडिया ब्लॉक गठबंधन सरकार बनाने के लिए जा रहा है, आप उसके लिए तैयार हैं? लोगों ने बहुत कुछ सहा, 10 साल से जो जख्म भाजपा ने दिए थे वो बर्दाश्त यहाँ पे किए और यही एक फोरम था कि चुनाव के जरिए वो अपना गुस्सा जो है वो जाहिर करते। जो सरकार 35 स्कूल बंद कर दे, जम्मू मंदिरों के शहर को शराब की दुकानों में तब्दील करके चिट्टे का बाजार यहाँ पे गर्म कर दे और सरकार चुप करके बैठी रहे, कोई कदम यहाँ पे नहीं उठाएंगे। ड्रोन टेररिज्म यहाँ पे बढ़ पाया, ड्रोन के जरिए हथियार यहाँ पे आ रहे हैं और लैंड डाटा प्रॉब्लम को देखते हुए मैं समझता हूँ जिस तरह से चरमरा सी गई है, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बटन दबा के उन तमाम चीजों का तमाम गुस्से का इजहार कर रहे हैं लोगों ने। डोगरा मुख्यमंत्री की बात कहती है, भाजपा जो कहती है करनी कहती है उनको आईना दिखाना पड़ेगा। भाजपा के जितने नेता हैं कार्यकर्ता से बड़े बड़े दिग्गज नेता कल परसों ही गजट निकली, उस गजट में आप निकाले नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से, उस गजट में ट्रांसलेटर्स की पोस्ट थी पंजाबियों की, बाकी सारी भाषाओं के लिए ट्रांसलेटर नियुक्त किए गए लेकिन डोगरी भाषा के लिए ना तो ट्रांसलेटर था, ना टीचर्स की पोस्ट थी, ना मास्टर की ग्रेड थी। ये आईना भाजपा को भाजपा के दफ्तर में जाकर दिखा दो,
कि आप डोगरा की बातें करते हैं, डोगरा प्रशासित प्रदेश की धज्जी उड़ा देते, दो यूटी बना के आज महाराजा हरि सिंह जी रोते होंगे ये कौन सी भाजपा की पार्टी जिसे जम्मू कश्मीर में चुनाव दिया और इतना पीछे ले गए। मैं समझता हूँ जनता को माफ करने वाली नहीं। गांधी जयंती पर आज महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि जो है वो दी गई, उसके साथ साथ रमन बल्ला ने भाजपा के ऊपर ये निशाना साधा, क्योंकि भाजपा ये दावा कर रही है कि इस बार मुख्यमंत्री जम्मू से होगा और डोगरा होगा। जब हमने रमन बल्ला को इस पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भाजपा ही ऐसी सरकार है जिन्होंने डोगरों की रियासत को डिग्रेड किया है और एक स्टेट से यूपी बनाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों के लिए कल अंतिम चरणों के लिए वोटिंग की गई, लेकिन 8 तारीख को नतीजे घोषित होंगे। लेकिन आज गांधी जयंती और गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। नमस्कार।